बॉलीवुड की हवा हवाई क्वीन श्रीदेवी जो है सो 2 साल पहले भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हूँ, लेकिन उनकी यादें, उनका फिल्मी सफर, उनका फिल्मों में योगदान हमेशा लोगों के बीच रहेगा मशहूर। जिसके कारण तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर मलयालम या फिर हिंदी सिनेमा, हर जगह श्रीदेवी की है अलग पहचान। ऐसे में श्रीदेवी की नाम की ही फिल्म क्यों ना आए, श्रीदेवी को लेकर खबरें आती हैं तो लोगों की आंखें बह जाती हैं। श्रीदेवी के नाम पर बनी फिल्म श्रीदेवी बंगलो को लेकर जब बोनी कपूर ने आवाज उठाया था तो उनके जवाब फिल्म के मेकर ने भी दिया था। जी हाँ, फिल्म को लेकर लीगल नोटिस जब बोनी कपूर की तरफ से मामूली ने पाया तो उस पर उन्होंने कहा कि लीगल नोटिस बोनी कपूर ने उन्हें भेजा जरूर, लेकिन वो फेस करेंगे, सामना करेंगे। श्रीदेवी एक आम नाम है और फिल्म का कैरेक्टर भी है उस एक्ट्रेस श्रीदेवी पर ही है, यानी कि ये हमारी श्रीदेवी नहीं किसी और की कहानी है और इस कारण से वो फेस करेंगे इसे। बता दें, इसे लेकर ही श्रीदेवी बंगलो को लेकर ही हाल ही में फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर ने स्टेटमेंट भी दिया। कुछ सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट। I guess once that song comes out, people are really going to see that she's done very well in the song. So it's quite happy and excited. And also, it's between Priya and. She's the one live wire only. She's become a sensation ever since she's done that shooting. So it's good to, you know, I'm also happy to be working with her, and it's great. So in the song, they both have done very well. Priya, you tell me, we have seen you dancing today, but as such, how good dancer are you, and how much are you enjoying dancing this evening? When it comes to dancing, I'm actually always a bit conscious. I've only taken training in Karnataka, so this is going to be my first Bollywood number, and I'm really, really excited that, you know, I'm sharing the space with both of them. And we saw your moves. Oh my God, they are just light. You know, it's so nice. Did you prepare?